कुछ सवाल है मेरा, सवाल यह है कि सबसे पहले उस गाने की मनसा क्या थी आपकी, वो गाना बनाए क्यों थे, ये थोड़ा सा हमको बताओ। वो ना हो खेल अखिया से ओझल, कला कुबूल राजा हमार पर पोजल, अब ना होता हमारा से इंतजार, ए हो मनीष पत्रकार, हम बानी रेडी का तू बनब भातार। कोई भी लोग मनीष कश्यप के ऊपर वीडियो बनाता है तो उनको शेयर करते हैं मनीष कश्यप, टैटू बनाता है तो उनसे मनीष कश्यप मिल लेते हैं, या तो कोई ऐसा कीर्तिमान जाहिर करता है मनीष कश्यप को लेकर तो उनसे मिलते हैं। मनीष कश्यप अभी तक आपसे मिले हैं कि? आर्मी के हूँ मैं ई बेटा हो, इनके बना दीना नेता हो, आर्मी के हूँ मैं ई बेटा हो, इनके बना दीना नेता हो, बड़े गरीब के लोर पोछवैया हो। अरे कृपाई न पे बना दो देवी मैया हो, सीए में बन जस मोहन से कसे अप भैया। देखिए अभी हम बेतिया के चनपटिया में हैं, वही चनपटिया जहां से पत्रकार मनीष कश्यप आते हैं, जो सन ऑफ बिहार के नाम से पूरे बिहार सहित पूरे भारत में फेमस है, वर्ल्ड में भी लोग उनको सन ऑफ बिहार के ही नाम से जानते हैं। यहां पे होने का मेरा एक ही रीज़न है, और यहां से एक लड़की है जिसका नाम पूजा पांडे है, वो अभी हमारे साथ है। पूजा पांडे हमारे साथ होने का और हम इनके साथ होने का कारण यह है कि एक मनीष कश्यप पर इन्होंने गाना गाया, और गाना का रिलीज होते ही वायरल हो गया, और वायरल होने का कारण था कि उस गाने में मनीष कश्यप का नाम ऐड किया गया था। सबसे पहले आपका स्वागत है सानविच में। आपको बहुत बहुत स्वागत है। कैसी है आप? एकदम बढ़िया। मीडिया के द्वारा टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा है? जी नहीं, बिल्कुल एकदम खुश है। हाँ जी। कुछ सवाल है मेरा, सवाल यह है कि सबसे पहले उस गाने की मनसा क्या थी आपकी, वो गाना बनाए क्यों थे, ये थोड़ा सा हमको बताइए। देखिए हर लड़कियाँ चाहती है जो अच्छा से अच्छा काम करने वाला पति मिले, तो हम गाना के माध्यम से प्रस्तुत किए थे ये गाने को, यानी कि अपनी भावनाओं को बताए थे कि हर लड़की का एक अथक प्रयास होता है, अथक भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति देव अच्छे हो, लड़के भी ऐसा करते हैं। हाँ, और उस चीज़ को आपने अपने जैसे सिंगर है उस चीज़ को गाने के माध्यम से ब्याह कर दिए। हाँ, इस गाने में कोई कमी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़की की मनसा गलत है, मनीष कश्यप को बदनाम करना चाहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा ये सब गलत बात है। मनीष कश्यप को बदनाम करने की मनसा तो नहीं ना है? जी नहीं, कोई इरादा तो नहीं ना है? जी नहीं, उनको भगवान मानते हैं तो कैसे बदनाम करने का इरादा? भगवान मानना सही, आपका कहना भी सही है, क्योंकि आपने एक बार गाना बनाया था कि मैया सीएम बना दी मनीष कश्यप, कैसे गाना बनाया था, उसमें आपने भैया शब्द का प्रयोग किया था। जी हाँ, तो हम लोग सिंगर हैं तो हम लोग तो हर समय में हर गाना पड़ेगा ना, तो इसमें कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, संस्था की टीम आपके पास आई थी? जी हाँ। आपका न्यूज कवर करने, उनसे क्या बात हुई? जी जो जो सवाल आप लोग कर रहे हैं वो भी किए लोग। एक सवाल उनका भी था कि मनीष कश्यप का नाम को आप बदनाम कर रहे हैं? जी नहीं नहीं था, उनसे भी बता दिया, उनसे भी बता दिए थे हम जो हम उनको भगवान मानते हैं। चलिए सवाल तो उस गाने पे हुआ, लेकिन जरा एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जो लड़की हमेशा से गाना गा रही है और मीडिया में बार बार इंटरव्यू दे रही है, पर डे अगर ऐसा इनको इंटरव्यू देना होगा तो कम से कम 50 मीडिया को तो इंटरव्यू दे ही रही है, सही बात है? जी। और मुझे भी आज दे रही है जैसे सब लोग को इंटरव्यू दे रही है। आप पढ़ाई लिखाई कितना की है? जी 5 क्लास तक। 5 क्लास तक, आपका पूछना नहीं चाहिए। उम्र कितना हो रही है? जी 15 साल। 15 साल है, 5वीं क्लास तक पढ़िए। माता पिता है? मम्मी है, पापा जी नहीं है। सॉरी पिताजी नहीं है, इनके पिताजी नहीं है। घर की हालात थोड़ा सा बताएंगे, क्या करती है मम्मी, आप क्या करती है, सिर्फ गाना गाना ही और या कोई काम भी करती है? बस गाना गाती हूँ और कोई काम नहीं। मम्मी क्या करती है? कुछ नहीं, ऐसे ही घर पे। घर पे रहती है? जी हाँ। एक मुझे सुनने में आया था कहीं से, खबर सही है गलत की आपके दिल में छेद ऐसा करके? बिल्कुल सही सुने हैं आप, सही बात है जी। अच्छा एक बात बताइए, उस गाने को थोड़ा सा हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि उस गाने को लोग सुनना चाह रहे हैं। हम गलत दृष्टिकोण से नहीं, हम अपने पर्सनल स्टूडियो से भी न्यूज को कवर किया था इस गाने के ऊपर, तो हमने कहा था इस गाना में किसी प्रकार की खराबी नहीं है। जी। लोगों की लोग जो गाय उसकी मनसा होती है, अगर हम पत्रकार हैं तो हम लिख के अपनी मनसा को जाहिर करते हैं, अगर कोई गायकर है तो गाकर उस मनसा को जाहिर करते हैं, और आप गायक हैं तो उस बात को आपने जाहिर किया, तो उस गाने का एक लाइन चाहेंगे सुना दीजिए हमारे दर्शक को। कबो ना हो खेल अखिया से ओझल, कला कुबूल राजा हमार पर पोजल, अब ना होता हमारा से इंतजार, ए हो मनीष पत्रकार, हम बानी रेडी का तू बनब भातार। एक चीज़, यह गाना बड़ा सुंदर है, हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा इस गाने को सुनाने के लिए, लेकिन एक चीज़ हमेशा दिमाग में खटकता है कि कोई भी लोग मनीष कश्यप के ऊपर वीडियो बनाता है तो उनको शेयर करते हैं मनीष कश्यप, टैटू बनाता है तो उनसे मनीष कश्यप मिल लेते हैं, या तो कोई ऐसा कीर्तिमान जाहिर करता है मनीष कश्यप को लेकर तो उनसे मिलते हैं। मनीष कश्यप अभी तक आपसे मिले हैं कि नहीं?
जी नहीं। इस गाने के बाद? जी नहीं। नहीं मिले हैं? फोन आया? जी नहीं। लाइव में बोले इसी प्रकार का आपसे कोई कांटेक्ट करने की आवश्यकता भी किए कि नहीं हुआ? जी नहीं, नहीं हुए हैं आपके ऊपर। मनीष कश्यप के ऊपर शायद आपका 2 से 3 गाना बन चुका है, फेमस म्यूजिक प्रेजेंट सामने देखा है। आज एक सुबह में लॉन्च हुआ है गाना लॉन्च हुआ है, लेकिन अभी तक मनीष कश्यप को नहीं मिले हैं। आपकी स्थिति मनीष कश्यप जान रहे होंगे, अगर शायद नहीं भी जान रहे होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद मनीष कश्यप जान जाएंगे कि इस लड़की का क्या परेशानी है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है। इसके पिताजी नहीं है, इनको दिल में छेद है। अगर शायद मनीष कश्यप ऊपर गाना बनाते हैं, जैसे टैटू बनवा लेते हैं लड़का लड़की, तो उनसे मनीष कश्यप मिल लेते हैं, तो हम कहेंगे मनीष कश्यप जी इन लड़की को भी मदद किया जाए, इन्होंने कोई गलत गाना नहीं गाया आपके नामों के लिए। इस बार नहीं, अभी मीडिया आई है, इससे पहले भी बहुत सारे गाना एक लड़की गा चुकी है जो मनीष कश्यप के नाम को बढ़ोतरी करने में इनका हकदार है, इनका हाथ है। तो मनीष कश्यप, इनसे मिलने की आवश्यकता है, इनसे मिला जाए और इनको मदद भी किया जाए। एक चीज़ लास्ट सवाल आपसे रहेगा, क्या आगे भी मनीष कश्यप के ऊपर गाना बनाते रहेंगी? जी हाँ। मनीष कश्यप से क्या उम्मीदें हैं बताइए, क्या उम्मीद है, क्या कुछ जाहिर करते हैं कि मनीष कश्यप की मदद करें? अपना आशीर्वाद दुलार प्यार बनाते रहें। आपके भी कुछ गाने आए थे मनीष कश्यप के ऊपर, सबसे पहला गाना था मर्द चाहिए पत्रकार मनीष जैसा, उस गाने को एक लाइन सुना दीजिए। सबसे पहले तो शाह न्यूज को जितने भी मेरे भोजपुरिया दर्शक देख रहे हैं उनको दिल से प्रणाम है। हमरा चाही ना फिल्मी स्टार जैसा, हमरा चाही ना फिल्मी स्टार जैसा, मरद चाही मनीष पत्रकार जैसा, मरद चाही मनीष पत्रकार जैसा। एक गाना था जो हमको बड़ा दिल के करीब है, आप दोनों का गाना था, मैया सीएम बना दी मनीष कश्यप के। चाहेंगे लास्ट, इसके बाद हम खत्म करेंगे, वो दोनों आप डुएट में गाइए और सुनाइए, हमारे दर्शक को बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। जी आर्मी के हूँ मैं ई बेटा हो, इनके बना दीना नेता हो, आर्मी के हूँ मैं ई बेटा हो, इनके बना दीना नेता हो, बड़े गरीब के लोर पोछवैया हो। अरे कृपाई नपे बना दो देवी मैया हो, सीएम बने जस मोहन से कसे अप भैया हो। रसिया राज पूजा पांडे कहले जय बाबा, मोहन से कसे अप जय सन मरद दोसर के हो नाबा, प्रीतम प्यारे परत माई पैया हो। अरे कृपाई नपे बना दो देवी मैया हो, सीएम बने जस मोहन से कसे अप भैया हो। और जरूर जनता का और माता रानी का आशीर्वाद होगा तो एक दिन बनेंगे। देखिए यही पूजा पांडे थी जो आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, बहुत तरह के भ्रामक खबर भी फैलाया जा रहा है इनके बारे में, कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रहा है, इनसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप भी जानते और हम भी जानते हैं कॉल रिकॉर्डिंग फर्जी है, किसी का नाम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ आप दिमाग में डाल लीजिए कि जो लड़की गाना गाई है किसी प्रकार का घंघरा चोली लहंगा का शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, अपनी भावना तक भावना को जाहिर किया, ये गलत नहीं है। इसीलिए अब चाहेंगे जितने लोग गलत खबर बना रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहीं पे रुके, उस चीज को आगे ना बढ़ावा दे। बाकी आप शाह न्यूज देख रहे थे, क्या सोचते हैं पूजा पांडे के बारे में, क्या सोचते हैं प्रीतम प्यारे के बारे में और क्या सोचते हैं इस गाने के बारे में, अपना राय लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।